हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास. दिस वीडियो फॉर क्लास सेवन. द टॉपिक इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. आपके लिए ये पॉइंट्स, ये टॉपिक थोड़ा स्ट्रेंज होगा, बट जैसे ही हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको ईजी लगने लगेगा. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंस. सम ऑफ देम आर एडिबल एंड सम आर नॉन एडिबल. डू ऑल एडिबल सब्सटेंसेस हैव द सेम टेस्ट? नो, दे हैव डिफरेंट टेस्ट. सम आर स्वीट, सम आर सॉर और बीटर, एंड हर सम अदर आर सॉल्टी. हमारे डेली लाइफ में हम बहुत से अलग अलग सब्सटेंस क्रॉस होते हैं. कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं. तो क्या सारे एडिबल्स में सेम टेस्ट होता है? नहीं, सबके अलग टेस्ट होते हैं. कोई स्वीट होता है, कोई सॉर होता है, कोई बीटर होता है. ठीक है, यहाँ टॉपिक है एसिड्स. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर. द कंपाउंड विच हैव अ सॉर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स. लेमन, ऑरेंज, कर्ड, विनेगर एंड अनराइप मैंगो टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज सेड टू बी एसिडिक. एसिड वर्ड जो है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है, एसिडस से. ठीक है, उसका मतलब होता है सॉर, मतलब खट्टा. तो ये कंपाउंड जो है सॉर टेस्ट का, उसको उसी को एसिड बोलते हैं. तो लेमन, ऑरेंज, कर्ड, विनेगर या फिर अनराइप मैंगो, ये सब टेस्ट में सॉर होते हैं, इसीलिए इनमें एसिड है. तो केमिकल नेचर सब्सटेंस का एसिडिक कहलाता है. अब सोर्सेस ऑफ एसिडिक क्या क्या हैं? तो देयर आर टू डिफरेंट सोर्स ऑफ एसिड्स. मिनरल्स, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड. तो मिनरल्स क्या है? एसिड ऑब्टेन होता है मिनरल्स से, इसको मिनरल एसिड्स या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल है सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसिड्स दैट ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. वैसे एसिड जो प्लांट्स एनिमल्स से होते हैं, मिलते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है. जैसे कि साइट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, मैलिक एसिड एक्सेट्रा. ईच ऑर्गेनिक एसिड इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हर एक ऑर्गेनिक एसिड बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है, तो ये टेबल आपको शो करेगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या हैं? ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट. सारे एसिड्स के टेस्ट सॉर होते हैं. ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन. ऑल एसिड्स रिडली डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक द वाटर एसिडिक. ऑल एसिड्स आर कोरोसिव, इट मीन्स दे ईट अप मेटल्स एंड मेनी अदर एनिमल्स. यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एसिड्स है और उनके कुछ यूजेस हैं. तो इन्हें आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा. कि एक हम बता देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है और उसका यूज़ क्या है? इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, या तो फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है, और बैटरी बनाने में यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है. ठीक है, अब है बेस. द अपोजिट ऑफ एन एसिड इज अ बेस. और एसिड का जस्ट उल्टा बेस है. द सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेसिस. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज टू बी बेसिक. तो ये एसिड का बिल्कुल उल्टा है. वो सब्सटेंस जो जैसे बिटर टेस्ट देता है और सोपी फील करता है टच करने पर, उसे बेस कहते हैं. तो कुछ नेचर सब्सटेंस के बेसिक कहलाते हैं. सिंस बेसिक्स आर अपोजिट ऑफ एसिड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एंटा एसिड्स. एंड द बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. कुछ बेसिस हैं अपोजिट जो हैं एसिड्स के, तो उन्हें एंटासिड्स कहते हैं. ठीक है, ये बेसिस जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो ये अल्कलीज कहलाते हैं. सेवरल टाइप्स ऑफ बेसिस आर फाउंड इन कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. कुछ बहुत से कॉमन बेसिस भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. तो वो नेम्स हैं उनके सोर्सेज पे बेसिस करते हैं. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में. उसी तरह ये सब. इफ़ यू लुक अप द अबव बेसिस यू विल फाइंड अ कॉमन वर्ड हाइड्रोक्साइड. इन ऑल ऑफ देम द मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ वन और मोर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल माइनस OH ग्रुप्स. अगर आप इन टेबल में देखोगे तो आपको एक चीज सिमिलर लगेगा, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड. तो आपको ऐसा इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल का जो बेस है वो हमेशा एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड से बना है. प्रॉपर्टीज़ क्या है बेसिस की? ऑल बेसिस हैव बिटर टेस्ट. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेसिस फील स्लिपरी व्हेन ड्रॉप्ड बिटवीन द फिंगर. एंड ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्सिल माइनस OH ग्रुप. एंड बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब इंडिकेटर्स क्या हैं टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस, मतलब कि कैसे हम पहचाने कि वो एसिड है या बेस है. ठीक है, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस. वी यूज स्पेशल मटेरियल टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस. सच मटेरियल्स आर नॉन एज इंडिकेटर्स. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर्स व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज टेस्ट करने के लिए नहीं होता है. तो उसके लिए एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको टेस्ट करके हम उस सब्सटेंस को एसिड या बेस में ला सकते हैं. तो उस मटेरियल्स को कहते हैं इंडिकेटर्स. ठीक है,
तो इंडिकेटर्स चेंज करते हैं कलर जब वो कांटेक्ट में आते हैं, या तो वो एसिडिक हो या बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। लिटमस, लिटमस इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिंस। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर इन रेड एंड ब्लू कलर। लिटमस एक नेचुरल डाई है एक्सट्रैक्टेड है लिचिन से। ये अवेलेबल होता है स्ट्रिप पेपर के स्ट्रिप्स टाइप में, इसको लिटमस पेपर कहते हैं। ये रेड या ब्लू कलर में, रेड और ब्लू कलर में ही आते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न होगा ब्लू से, ठीक है, रेड में। अब बेसिस टर्न होते हैं रेड लिटमस से ब्लू में। एसिड विल नॉट अफेक्ट द रेड कलर लिटमस, एसिड रेड कलर लिटमस में अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये ऑलरेडी एसिडिक नेचर में ही होता है। उसी तरह एक बेस अफेक्ट नहीं करेगा ब्लू कलर लिटमस पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मरिक, ये भी एक तरह से इंडिकेटर है, जिस तरह लिटमस पेपर इंडिकेटर था, सेम एक टर्मरिक भी इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर गुड नेचुरल इंडिकेटर, इसको नेचुरल इंडिकेटर हम कह सकते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए जो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया जिससे आप जान सकते हो कि टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है। यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर फ्रेंड ऑन हीज और हर बर्थडे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बट यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई टर्मरिक स्टेन ऑन अ वाइट ड्रेस टर्न रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद अ सोप। द सोप सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर। इसे बोला गया कि आप एक फ्रेंड के लिए कार्ड रेडी करो, उसका बर्थडे हो, उसमें टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई करो शीट पर, ठीक है, प्लेन वाइट पेपर पे, उसको सूखने दो। उसके बाद एक अच्छा सा ब्यूटीफुल फ्लावर उसमें आप ड्रॉ कीजिए सोप सॉल्यूशन की हेल्प से, कॉटन बर्ड की हेल्प से, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा। ऐसे इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि टर्मरिक का जो दाग होता है वो वाइट ड्रेस पे रेड टर्न हो जाता है, मतलब वो वाइट से रेड हो जाता है साबुन से धोने के बाद। इसीलिए सोप सॉल्यूशन नेचर से ही बेसिक है। चाइना रोज, चाइना रोज गुड़हल इज ऑल्सो गुड इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। जो चाइना रोज होते हैं गुड़हल, वो भी एक तरह से गुड इंडिकेटर है एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।